अब बनने लगी है। चलो सारे विभाग इस लोक कल्याण मेले में सक्रिय है, अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पशुधन विभाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, गांव प्रधान देश है और खासतौर से हमारा संबंध है वो पशुओं से रहता है। पशुओं की अनेक समस्याएं होती हैं। पशुओं के बारे में विशेष जानकारी देते हुए हमारे बीच में अनुरोध करूंगा मैं डॉक्टर मोहम्मद उमर खान जी, जो कि पशु सर्जन है और पशु चिकित्सा अधिकारी है राज्य पशु चिकित्सालय घरौला पशु चिकित्सालय में, मैं अनुरोध करूंगा वे आए और पशु चिकित्सा से संबंधित जानकारी यहां उपस्थित सभी सम्मानित जनों को देने का कष्ट करें। श्रद्धे मोहम्मद उमर खान जी, धन्यवाद। आज बड़ा खुशी का दिन है, एक साल सरकार का पूरा हुआ, उसके कामकाज जो जो एक साल में काम हुए वो आपको बताया जाएगा। मुझे मौका मिला है भारत में एक साल में सरकार के द्वारा क्या क्या योजनाएं लाई गई, बहुत सारे लोग तो मुझे पहचानते होंगे, हाथ उठाए कितने लोग पहचानते हैं, और ये तमाम लोग पहचानते हैं। तो आज से हमें रूबरू होने का मौका मिला है और आज से हम और आप इस गर्मी की परवाह किए हुए शाम 3 बजे तक हम आपके बीच में रहेंगे, बीच बीच में आते रहेंगे और आपसे ये वादा है कि 3 बजे तक आप बोल रही होंगे, ये भी साथ में आपसे वादा है। आपके चेहरे की चमक ये बता रही है कि आप कुछ सुनना चाह रहे हैं। मेरा रंगे बसंती चोला वादा सुन रहे थे, चोला तब रखा जाएगा जब भैंस पूरा रुकेगी, चोला तब रखा जाएगा जब भैंस ग्यावर रुकेगी, चोला तब रखा जाएगा जब हमारा लहारा नहीं मरेगा, चोला तब रखा जाएगा जब हमारी भैंस के आराम से बाहर आ जाएगी, चोला तब रखा जाएगा जब हमारी भैंस पूरे साल बीमार नहीं होगी। तो आज मैं इसी के चोला रखने के ऊपर बोलूंगा कि पशुओं से आपकी आय को कैसे बढ़ाया जाए, पशु से कैसे पशुपालन ठीक किया जाए। मेरी माताएं बहने बहुत तादाद में है, मेरे इलेक्शन में बहुत सारे माताओं का के बारे में बताया जाएगा, बहनों के बारे में तो दिल में ना है, सिर्फ समझाने का मौका है। एक आदमी पहाड़ के पास से गुजरा जा रहा था, गुजरा हुआ एक आवाज आई कि रुक जा, वो रुका और पहाड़ का बहुत बड़ा पत्थर उसके सामने से निकल के चला गया, मतलब उसकी जान बच गई। फिर 15-20 दिन के बाद वो कहीं निकला जा रहा था तो एक आवाज आई रुक जा, एक ट्रक आया तो निकल गया, वो बच गया। उस आदमी ने ये पूछा कि तू कौन है जो बार बार मुझे बचा लेता है, मुसीबत आने से पहले तू मुझे ये बता देता है, ये तू बता तो सही तू कौन है। तो गैर से आवाज आई कि मैं फरिश्ता हूं, तेरी जान को बचाने के लिए आवाज देता हूं कि तू मुसीबत में आने वाला है, तू रुक जा और तू रुक जाता है मुसीबत टल जाती है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, उस आदमी ने कहा ए मेरे भाई फरिश्ते तू ये तो बता, रो के पूछा कि जब मेरी शादी हो रही थी तो तू कहा था आवाज क्यों ना लगाई थी। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि आवाज तो लगाई थी लेकिन तू डीजे में है, तेरे अंदर जो माइक चल रहा था तो उसकी आवाज में तू मगन था, तुझे मेरी आवाज सुनाई। अब आए मजा मिले नहीं, तो जब आपको और मुसीबतें आती है आपको मुसीबत नहीं है, हंसी मजाक की बात है। क्या सुनना चाहोगे बताइए, मैं तो 3 बजे तक बोलूंगा, आप लोग क्या सुनना चाहोगे, जो चाहो सुनाया जाएगा, बता दो आप। पशुपालन सुनना चाहोगे, समाज की बात सुनना चाहोगे, देश की तरक्की करना चाहोगे, खुद की तरक्की करना चाहोगे। जब खुद की तरक्की होगी तो देश की तरक्की हो जाएगी। मैं सुबह 5 बजे मैंने नेट खोला और मैंने ये देखा कि चीजें कैसे बदलती हैं। तो 2017 में एक जो नोबेल प्राइज मिला है, 3 साइंटिस्ट ने जिनको नोबेल प्राइज मिला, वो है जेफरी सीहॉल, माइकल रॉस और माइकल डब्ल्यू एल। इन्होंने 3 साइंटिस्टों ने मिलकर लगभग 70 साल की उम्र में ये इनाम हासिल किया। वो क्या खोज करी, उन्होंने ये खोज करी कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर एक घड़ी होती है, वो घड़ी होती है, वो घड़ी काम करती है, घड़ी समझ रहे हो,
जाती है। हम वो घड़ी को आदेश करते हैं कि शाम को 3 बजे हमें यह काम करना है, आपको 3 बजे वो घड़ी याद दिला देती है, पानी करने की घड़ी देना भूल जरा, घर वाले को दिखा रहे हैं कह रहे कुछ करते करते नहीं हो, चारों तरफ से दिखा दो, आज ये पता चल जाए कि इस लोक कल्याण मेले में क्या आप लोगों का कितना कल्याण होने वाला है, 100% आपका कल्याण होगा। तो वो जो घड़ी है वो घड़ी ये बताती है कि जो दिमाग में आप सेट करते हो उसी हिसाब से आपको उठा देती है। तो मेरी माताएं बहनें उस घड़ी से ज्यादा पावन है, वो 2 टाइम का खाना बनाती है, जैसी शाम का खाना बनाना होता है सारे काम छोड़ के खाना बनाने के लिए चली जाती है। कैसे? क्योंकि वो घड़ी हमारे अंदर है, उस घड़ी को हमें बाहर निकालना है। कैसे कैसे निकालेंगे? मजा से आ गया नहीं बताओ, हाथ उठा के बताओ। देखो तहसीलदार साहब मजा आया नहीं, और 5 मिनट तक आए, 3 से 5 करेंगे, 5 से 7 करेंगे, जब तक हमारे चीफ गेस्ट नहीं आएंगे तब तक हम आपको ऐसे करते रहेंगे। मेरी माताओं बहनों सुनने को समझ आया नहीं? अब मैं बताऊं आपको लवारों की मिट्टी में कैसे दूध होगी, भैंस 5 पर कैसे दूध होगा, दूध भैंस का कैसे बढ़ेगा, भैंस पूरे साल बीमार नहीं होगी, ये सारे टॉपिक मैं बताऊंगा आपको। लेकिन कुछ माहौल हंसी मजाक का बनाना पड़ेगा, थोड़ा मजा सजा नहीं आ रहा, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए। मैंने अपनी बहनों से कह दिया थोड़ी बहुत आपको ऊपर आए तो बुरा मत मानना, क्योंकि हम आपके दिलों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन समाज में आपकी इतनी अक्सरियत है, इतने लोग हैं, आपकी तारीफ इतनी आनी चाहिए जितनी घर से तारीफ आती है। तो वो पूछने लगा कि डॉक्टर साहब और ज्यादा ध्यान करती है, भय ज्यादा ध्यान करती है, ध्यान रखूंगा मेरी बहन हो, और ज्यादा प्यार करती है, भय ज्यादा प्यार करती है। तो मैंने ये कहा बहन जी तुम्हारे हिसाब से कौन ज्यादा प्यार करता है? बोले डॉक्टर साहब तुम्हें बताओ। मैंने उससे कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई प्यार करती है तो भय ज्यादा प्यार करती है। महिला बहन की बहनी थी, उसने कहा डॉक्टर साहब इस बात को साबित करो कि औरत कैसे प्यार नहीं करती, भैंस कैसे ज्यादा प्यार करती है। सुनना चाहोगे बहन जी? सुनना चाहोगे? तो उसने कहा, मैंने कहा तो जिस भैंस को आप चारा डालते हो, जिस भैंस की देखभाल करते हो, वो भैंस उसी के हाथ से पड़ जाती है, उसी को दूध देती है। क्या ये बात से सहमत हो आप? नहीं, सही बात। जो इंसान भैंस को चारा डालता है, देखभाल करता है, उसके साथ रहता है, भैंस उसी के हाथ से पड़ जाती है, उसी को दूध देती है, तो भैंस उससे क्या करती है? प्यार करती है, मोहब्बत करती है, लव करती है, इसलिए उसे दूध देती है। अब मेरी बहन पे आ जाओ, मेरी बहन के बारे में मैं बताना चाहूंगा, मेरी बहनों के अंदर क्या चीज है। इनको खूब खिलाओ पिलाओ, इनकी हर ख्वाहिश पूरी करो, हर ख्वाहिश पूरी करो, जो चाहे पूरी करो, लेकिन जब तारीफ करने की बात आती है तो तारीफ अपने भैया ही करके, मेरा भैया नो, मेरा भैया नो, मेरा भैया नो, मेरा भैया नो, मेरा भैया। लेकिन भैंस जिसका खाती है उसी को दूध देती है, उसी से प्यार करती है। मेरी बहनों आपको चाहिए अपने पति की भी तारीफ करना, अगर अपने भाई की तारीफ करते हो तो पति का भी आगे अपनी तारीफ करो, जिसने पति की तारीफ करने शुरू कर दिया तो पति हर जगह आपकी तारीफ करना शुरू कर देगा। अब हम भैंस आ रहे थे, हमारे भाव माहौल बने नहीं, ये जोड़ा, ये लोग दोनों बात हंस रहे, जोड़ा नहीं बोलूंगा, पता नहीं कौन किसके साथ बैठा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या है, जब अगर भैंस ब्याह जाए और भैंस जेल निकाले तो आप लोग क्या करते हो? आज मेरे द्वारा आपको ये बताया जाएगा कि जिस गाय भैंस की जेल नहीं आती है बगैर हाथ डाले, वो जेल कैसे वापस आएगी, कैसे बाहर आएगी, ये अभी बताऊंगा। 1 मिनट के अंदर जेल बाहर है। ये सारी ज्यादातर आशाएं लग रही है, आशाएं नहीं, आप लोग से मुझे बहुत आशा है। जिस घर में जाओगे उसको ये बताओगे कि अगर तेरी भैंस है, तेरी गाय निकलने वाली है, तो पावर हाउस का पति गर्म करना, जब वो लाल होगा तो मैं भी कच्चा दूध डालना और भैंस को पिला देना, 100% दिन बाहर आएगी। आपसे मुझे ये उम्मीद है कि मेरी आशाएं मैंने जब जाएंगी, ये प्रचार प्रसार करेंगी कि अगर भैंस जेल निकालती है तो पावर हाउस का पति गर्म करना, जब लाल होगा तो आगे इसे कच्चा दूध डालना और भैंस को पिला देना, भैंस की जेल बाहर आए। ये बताने में कोई दिक्कत होगी आपको? अरे हाथ उठाओ, ताली बजाओ, कुछ बताओ,
ये समाज का काम है, ये समाज का काम जब आप करने जाओगे तो आपको अंदर को खुशी मिलेगी और इतनी खुशी मिलेगी कि उस खुशी को संभाल नहीं पाओगे। अब वो जेल कैसे बाहर आ जाएगी ये मैं बताऊंगा। आपको समझाना है, उस महिला को समझाना है जिस महिला के बच्चा होने वाला है। उस घर में आप जाती हो जिस घर में लोगों की पहुंच नहीं होती, तो आखिर जेल क्या है मेरे भाइयों? जेल क्या है? जेल एक ऐसा पाइप का टुकड़ा है जो माँ को, माँ को बच्चे से जोड़ के रखता है। सारा खाना पानी राशन जेल के टुकड़े से पहुंचता है। इसके अलावा जेल कुछ भी नहीं है। जब भैंस जाती है, जब गाय जाती है, तो जेल अंदर रह जाती है, हमारा बाहर आ जाता है। वो जेल नहीं जाती है तो हमारा किसान परेशान हो जाता है, कहता अगर मैं क्या करूं, ये जेल बाहर नहीं आ रही। अगर जेल बाहर नहीं आए तो आप लोग क्या करते हो बताइए? क्या कर रहे हो? जेल बाहर से खिंचवा लेते हो? जिस गाय भैंस की जेल अगर आप बाहर से खिंचवा लोगे तो गाय भैंस उस जेल में पूरा दूध नहीं देगी। आज इस मेले के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि हाथ डालने की जरूरत नहीं है, कि हाथ डाला की जेल कैसे बाहर आएगी? सुनना चाहोगे? हाथ उठा के बताओ। ये लगना चाहिए मैं जिंदा लोगों का बोल रहा हूं, ये साबित करना चाहिए मैं जिंदा लोगों का बोल रहा हूं, ताली बस्ती रहनी चाहिए। तो जेल का जो नॉर्मल समय वो कितना है? जेल का नॉर्मल समय कितना है आपके हिसाब से बताओ? जाने के बाद कितने घंटे होने चाहिए जेल के? 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 30 घंटे? नहीं, ये सब गलत है। 24 से 36 घंटे, 24 से 36 घंटे नॉर्मल समय जेल का रहेगा। फोन को काट दो, कोई फोन नहीं खुलेगा। यहां काले जाने वाले से काटना, वो ये पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब ये महिला जो दिल्ली में भर्ती है लालगढ़ का, आखिर ये क्यों भर्ती है? मैंने कहा यार तुम जेल की समस्या पूछ रहा है, सिंदूर की समस्या पूछ रहा है, कि डॉक्टर साहब ये बता दो कि अगर ये सिंदूर होता है तो क्या बात है, सिंदूर क्यों भरा जाता है? तो मैं देसी भाषा में सिंदूर को मैं ये कह सकता हूं कि इस प्लांट की रेस्क्यू हो चुकी है, इसको मत दिए, किसकी रेस्क्यू हो गई है। अब यार ताली वाली नहीं आ रही है यार। सिंदूर का मतलब ये है कि इस्लाम की तस्की हो गई है, ये शादी शुदा है, ये अपने परिवार में अच्छी रही है, ले आ जाइए लगना देखा जाए। मजा सजा आ रहा नहीं? लेकिन मैं बोल रहा था जेल के ऊपर बोल रहा था ना, ये बीच बीच में चीजें निकल के आएंगी। आप मुझसे पूछते रहे ना, मैं भूल जाता हूं कहां से कौन सी चीज बोलना है। जेल का नॉर्मल समय कितना है? 24 से 36 घंटे। तो वो दवा का प्रणाली आपको कौन सी बोतल दे दिया आपको? 1200 रुपये। आगे नहीं देता चल, वो भूखा प्रणाली आपको 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद पढ़ाओगे, जेल सारी की सारी बाहर आ जाएगी, जेल अंदर रुकेगी नहीं। आखिर जेल बाहर कैसे आती है? वो कच्चा दूध और तेल क्या करेगा, किसकी वजह से जेल बाहर आ रही है? ये भी खोल लूंगा, हर रात खोल के जाऊंगा। है कोई पैसे कच्चा और पका आम गिरेगा, ये कैसे विचार पहचानोगे कच्चा कौन सा पका कौन सा है? बताइए, इधर का फोटो ज्यादा लेना लगा, उसको बताना है कि मेरे लेक्चर में महिला भी होती है और बहुत ध्यान से सुनती है, और तू नहीं सुनती बाकी सब सुनती है, वो नहीं सुना उसने नहीं सुना आज ये डॉक्टर साहब तुम सबको सुना लेते हो, तुम सबको कन्विंस कर लेते हो, लेकिन तुम अपनी महिला को, अपनी औरत को इस तरीके से क्यों नहीं समझा पाते? तो मैं सुन लो उसके पीछे की राय। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत जोर जोर से तकरीर कर रहे थे, तमाम लोग ताली बजा रहे थे, एक तरफ औरतें बैठी थी, एक तरफ आदमी बैठे थे, आधे घंटे तक लोग ताली बजाते चले गए, जैसे मेरे लिए आप ताली बजा रहे हो। आधे घंटे के बाद एक औरत उठी, उसने कहा पहले मेरी बात सुनी जाए, लोगों ने पता नहीं लिया, बोले ये जो बोल रहा है इसको मैं भली भांति जानती हूँ, जितना अच्छा आदमी तुम समझ रहे हो इतना अच्छा कतई नहीं है। बोले भाई जी तुम कौन हो? बोले मैं इसकी पत्नी हूँ, इसकी हकीकत में जानती हूँ, ये बोलता कुछ है करता कुछ है होता कुछ है, इसकी बातों पे नहीं जाया जाए। तो मैंने अपने बारे में बताया, देखिए चेहरे पर मैं जो कमियां नहीं बताऊंगा और कोशिश आपको हंसाना,
कोशिश आपको कुछ ज्ञान देना, मेरी कोशिश आपके बिल्कुल ठेस पहुंचाने के लिए, मेरी कोशिश ये है कि मैं जो ज्ञान दू वो ऐसे पैकेज में दू कि वो आपके पास पहुंच जाए, जो आपको याद हो जाए, आप लोगों को समझा सके, उसका लोग उपयोग कर सके, ऐसा ना हो कि जो ज्ञान दिया जाए वो ज्ञान ही नहीं रह जाए। बीच में चुटकुला बोलने का कारण, बीच में लोगों को हंसाने का कारण, ताकि लोग हंसते रहे, बाकी किसी को ठेस पहुंचाने का काम मेरा नहीं है। जेल, वो जेल कैसे आती है? अगर पेड़ पर से कच्चा और पका आम मिले तो ये कैसे पहचानोगे कच्चा कौन सा पका कौन सा है? बताइए, बताओ, आप सुन नहीं रहे सही से। कच्चे और पके आम की पहचान ये है, मेरी बहनों ने बहुत सारा कच्चे आम का अचार डाला होगा, कच्चे आम में क्या चीज देखी होगी जो पके आम में नहीं होगी? बताओ, बहनों से सवाल है, कच्चे आम में क्या हुआ? क्या बोल रही है बताइए, कच्चे और पके आम की पहचान महिला के द्वारा बताई जाएगी। डंठल बता रही है, डंठल होगा, ताली बजा दिया है। इतना ज्ञान आपको है, इतना लोग बता नहीं पाते, मैं 10-10 हजार